पहले तो माशाल्लाह आप लोग को अल्लाह ताला ने बड़ा मोहब्बती बनाया हुआ है। अल्लाह करे पूरे मुल्क में इसी तरीके से मोहब्बत वाले हम सारे हो जाएं। आमीन। तो बड़ी खुशी होती है और हैदराबाद का नाम आते है, खाना वगैरह सारा सामने आ जाता है। रमज़ान में सफ़र करना मुश्किल होता है, लेकिन फुरकान भाई और हमारे उस्मान भाई की मोहब्बत ऐसी थी और इनका इसरार था, तो बस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया है एक्सपो से, कोई नूर एक्सपो ना? जी हाँ, कोई नूर एक्सपो। अल्लाह में बरकत दे, होना चाहिए। थोड़ा सा रमज़ान भी है तो अल्लाह में ने इबादत का महीना भी बनाया है, तो इबादत के साथ थोड़ा सा खाना पीना भी रहता है, तो एक जगह पे सारी चीज़ें मुहैया है बच्चों के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये कोहिनूर एक्सपो कब स्टार्ट होने वाला है, कहाँ स्टार्ट? ये अभी राइट नाउ एक्सपो हमारा जो है फर्स्ट ऑफ रमज़ान से स्टार्ट हो चुका है, बट राइड्स स्टार्ट हुई थी, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जो है यहाँ पर हम लोग राइड्स लगाए थे, वो फर्स्ट से स्टार्ट हो गई। और आज से जो स्टॉल्स है उसका इनॉग्रेशन मोहतरमा सना खान साहब से होगा और हमारे अनस भाई के हाथों होगा। सो आज से स्टॉल इनॉग्रेशन है, जो कि इनॉग्रेशन इंशाल्लाह आफ्टर ईशा रहेगा। तो अनस भाई और सनाबाजी जो है यहाँ पर आफ्टर ईशा रहेंगे। यहाँ पे टाइमिंग इफ्तार से लेके आपको पूरा शहर तक, आप अंदर आ गए पूरा शॉपिंग, फूड, गेम्स, पूरा शॉपिंग करते, बच्चों को झूलों में छोड़ देना आप, उसके बाद आप शॉपिंग आराम से कर लेना, बच्चे संभालने भी 8-10 लोग रखे हुए हैं हम लोग। तो ये इवेंट करने का कुछ खास मकसद आपका? खास मकसद ये है भाई, क्योंकि अभी शॉपिंग आजकल नाउडेज बहुत हार्ड हो गई, अब कहीं पर भी लोगों को आजकल मालूम नहीं है कि कहाँ जाके अच्छी चीज़ मिले, तो हम लोगों तक जो है अच्छे चीज़ों को ग्रैब करके यहाँ पर हमारे पास लेके आए, और जिसके अंदर स्पेशली हमारे सहाने के अवयाज रहेंगे, क्योंकि मैं टर्की जाके मेहनत करके लेके आया हमारे हैदराबादियों के लिए। सो अच्छी चीज़ यहाँ पर अंडर वन रूफ मिलेंगी, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा, और नॉट इवन इन हैदराबाद, वी आर प्लानिंग टू डू इन अदर सिटीज़ ऑल्सो। ऑफकोर्स मेरा हैदराबाद से तो काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है, बहुत पहले भी आया करती थी, और काफ़ी वक्त के बाद मैं भाई के लिए आई थी जब इनके स्टोर ओपनिंग था, और आज इधर आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। रमज़ान में हमेशा हैदराबाद आने की एक चाहत होती थी, बिकॉज मेरा बहुत साल पहले एक रमज़ान हैदराबाद में गुजरा था और मुझे बहुत मज़ा आई थी। तो जैसे पता चला रमज़ान में यहाँ आने का मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हर तरीके का माहौल आपको मिलता है जो स्पेशली रमज़ान में चाहिए, चाहे वो आप इबादत का ले लो स्पेशली यू नो, या चाहे आप शॉपिंग का ले लो या आप खाने का ले लो। तो आई थिंक ये जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, अच्छा खाना, इबादत और शॉपिंग, तो वो यहाँ मिलती है और काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे रौनक बहुत अच्छी रहती है स्पेशली रमज़ान में हैदराबाद में, तो ऑब्वियसली यू नो। और लास्ट टाइम आप सहाने विजिट करे थे, तो आपको वहाँ का कलेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज जब से मैं खुद अबाया पहनना शुरू करी हूँ, और मैं खुद अबाया में हमेशा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, तो जाहिर सी बात है मैं अबाया को बहुत ध्यान से देखती हूँ, तो बहुत अच्छा कलेक्शन था भाई का, और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत क्रिएटिव चीज़ें लाई है, और आई थिंक लोगों को हर टाइम नया कुछ ना कुछ लेडीज़ को चाहिए होता है अबायाज में भी, तो आई थिंक वो बहुत ईजिली अवेलेबल है इनके ब्रांड में। अब हैदराबाद के लोगों से मिलने का है आपको, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऑफकोर्स बहुत अच्छा रहा हैदराबाद के लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक मिलने का एक्सपीरियंस मेरा एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाता है, और जैसे लैंड होते लोग मिलने आते हैं और जिस तरीके से बातें करते हैं और अपना प्यार जाहिर करते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को जिसको आप नहीं जानते हो जाके उसकी तारीफ करना या उसके लिए कुछ बोलना या उसके लिए मोहब्बत रखना, आई मीन ये तो अल्लाह ही दिलों में लाते हैं, बट बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपसे सच्ची यू नो एक बिना किसी सेल्फलेस लव जो कहते हैं वो मोहब्बत करते हैं, तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। एंड यहाँ के लोग तो ऑब्वियसली इतने, जैसे अनस ने भी कहा पहले कि बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी हैदराबाद में, मैं पिछली बार भी कही थी क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में कि मेहमान नवाजी भी हैदराबाद में बहुत खूबसूरत है, तो जाहिर सी बातें आने बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि आपने कहा हैदराबाद का खाना बहुत फेमस होता है, तो पर्सनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको हैदराबाद की कौन सी चीज़ पसंद है? रमजान में तो मुझे हलीम यहाँ का सबसे ज्यादा पसंद है, तो रोजे के बाद बात कर लेंगे, पूरा आधे घंटे का हो जाएगा। चलो भाई, थैंक